बर्फ किसे पसंद नहीं है, हर कोई बर्फ से खेलना पसंद करता है, लेकिन आज के समय में हमें पृथ्वी पर कुछ गिने चुने जगहों पर ही बर्फ देखने को मिलती है। लेकिन इसी बर्फ ने अरबों वर्षों पूर्व हमारी पृथ्वी को कब्जे में ले रखा था, जिस दौर को आइस एज यानी हिमयुग के नाम से जाना जाता है। हाल ही की स्टडी से एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि हमारी धरती हिमयुग की ओर बढ़ने की आशंका है। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि 2020 से 2030 के बीच 16 साइकिल्स में होने वाली गड़बड़ी की वजह से मिनी आइस एज की स्थिति पैदा हो सकती है। तो आज हम उसी हिमयुग के बारे में जानने वाले हैं जिसने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर कब्जा किया था, और इस बात की सच्चाई को भी जानेंगे कि क्या सच में हिमयुग दोबारा पृथ्वी पर आ सकता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के मिस्टेरियस एपिसोड को। 4.5 अरब साल पहले उस समय हमारी पृथ्वी बेहद गर्म अवस्था में थी। पृथ्वी के वातावरण में केवल 0.02% ऑक्सीजन थी और बाकी मीथेन गैस थी। उस समय कुछ ऐसे एक पेशीय जीव रहते थे जो बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में सक्षम थे। लगभग 0.46 अरब साल पहले अंतरिक्ष में एक घटना हुई जिसने असल में हिमयुग की नींव रची। मंगल और बृहस्पति के बीच से आया एक एस्ट्रॉयड धरती के पास दूसरे एस्ट्रॉयड से टकरा गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मात्रा में धूल और गर्मी पृथ्वी पर आने लगी। टकराव इतना जबरदस्त था कि लगभग 4,00,000 टन जितनी धूल पृथ्वी पर आने लगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले कई लाखों सालों तक इसी मात्रा में पृथ्वी पर धूल आती रही, और इतनी ज्यादा धूल के कारण पृथ्वी के ऊपर धूल की एक मोटी परत बनने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि सूरज की बहुत कम गर्मी पृथ्वी पर पहुंचने लगी, और वातावरण में मौजूद मीथेन जो पृथ्वी को अब तक गर्म रखे हुए था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। इससे वातावरण ठंडा होता गया और धीरे धीरे करके इतना ठंडा हो गया कि हर तरफ बर्फ जमने लगी, और यही से हिमयुग की शुरुआत हुई। हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर मौजूद समुद्र और जमीन सब कुछ जम गया था। इस बदलते हुए तापमान और बढ़ती हुई ऑक्सीजन को उस समय के मौजूदा जीव झेल नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन एक विष के समान थी। इन जीवों के मरने के बाद एक नए प्रकार के जीव पैदा होने लगे जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सांस लेने में सक्षम थे। फिर इन्हीं सूक्ष्म जीवों के विकास ने आज के दुनिया की नींव रखी। उस समय हमारी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा बर्फ थी कि अंतरिक्ष से यह मात्र एक बड़े बर्फ की बॉल की तरह लगती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिमयुग के दौरान पृथ्वी अगले कई करोड़ों सालों तक जमी रही, जिसके बाद पृथ्वी अपनी गर्मी को जमा कर दी गई और फिर पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनता चला गया। माना जाता है कि पृथ्वी पर कम से कम 5 हिमयुग हो गए हैं, जिनमें से यही हिमयुग सबसे लंबा चला था, जिसे यूरेनियम हिमयुग कहा जाता है। इसी हिमयुग के कारण पृथ्वी जो खोलते लावे से भरी पड़ी थी वो ठंडी हो गई, और इसी हिमयुग ने पृथ्वी पर नए जीवन की रचना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। पृथ्वी पर हिमयुग का आना एक प्राकृतिक चक्र के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे पृथ्वी पर 5 हिमयुग हो चुके हैं, वैसे ही आगे भी हिमयुग आ सकते हैं, लेकिन इसमें ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। फिर बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारी पृथ्वी फिर से ठंडे हिमयुग में जा सकती है? तो इसका बहुत बड़ा राज छुपा है अंतरिक्ष में होने वाली गड़बड़ी में। हिमयुग के सबसे संभावित कारणों में से एक कारण पृथ्वी की कक्षा में होने वाला परिवर्तन हो सकता है। हमारी पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री टेढ़ी होकर अपने एक्सिस पे घूमती है, और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग मौसम आते रहते हैं, लेकिन हर 41,000 साल बाद पृथ्वी की दूरी का झुकाव बढ़ता और घटता है, और ऐसा ही बड़ा झुकाव पृथ्वी को एक तेज गर्मी या फिर ठंडे सर्दी की ओर ले जा सकता है। हमें ये बात तो पता है कि हमारी पृथ्वी एक अंडे के आकार में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसका मतलब पृथ्वी किसी एक पॉइंट पे सूर्य के काफी नजदीक होती है और किसी एक पॉइंट पे सूर्य से थोड़ा दूर होती है। इसी बीच पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तब सूरज की बहुत ही थोड़ी गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है। इसी वजह से सर्दी के मौसम पृथ्वी पर बढ़ने लगते हैं, और कभी कभी ये वातावरण हिमयुग में परावर्तित हो जाता है। इसी चक्र के चलते कई वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमयुग की वापसी हो सकती है। आखिरी हिमयुग 11,000 साल पहले खत्म हुआ था, और अधिकांश मध्यवर्ती काल 10,000 से 15,000 वर्षों तक ही कायम रहे थे, और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अगला हिमयुग शुरू होने की कगार पर है।
लेकिन आज के युग में हम इंसानों ने पृथ्वी के सारे प्राकृतिक घटनाओं को बदल दिया है। आए दिन कई जगहों पर बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं, साथ ही साथ अर्थक्वेक, बाढ़, ये सब बातें तो आम हो गई है। और इन सब चीजों का बहुत बड़ा कारण है कि हमारी पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के चलते बड़ी तेजी से गर्म हो रही है। इसीलिए मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग क्या आने वाले हिमयुग को रोक सकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए मिस्ट्री के साथ।